कमेटी की अध्यक्षा व केंद्र में पूर्व मंत्री सांसद हमारी बहन शैलजा जी और यहाँ से रहे सांसद अजीत दीपेंद्र जी, यहाँ से रहे सांसद व विधायक हमारे बड़े भाई शादीलाल बत्रा जी, हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष व विधायक हमारे बड़े भाई डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जी और महम से हमारे बहादुर साथी विधायक भाई आनंद सिंह दांगी जी, जज्जर से विधायक हमारी बहादुर बहन गीता भोकल जी, कलानौर से विधायक बहन शकुंतला जी और ये संचालन कर रहे हमारे भाई भारत भूषण बत्रा जी, पूर्व विधायक राव यादविंदर जी जो अपने राव वीरेंद्र सिंह जी के मुख्यमंत्री जो थे उनके सपुत्र हैं, और हमारे साथी पूर्व विधायक भाई संत कुमार जी, पूर्व विधायक भाई राजेंद्र जून जी, पूर्व विधायक जसवंत सिंह बावल जी, पूर्व विधायक आए हुए भरत सिंह बेनीवाल जी, पूर्व विधायक नरेश प्रधान जी, भाई चक्रवर्ती शर्मा जी, कुलदीप जी और समस्त जो सम्मानित मंच हैं, जो जो दीपेंद्र ने नाम लिया, हमारे शहर के बहुत वरिष्ठ आदमी बैठे हैं, सतीश बंजारी और सभी साथी बैठे हैं, तो मैं एक ही बात कहता हूं, सम्मानित मंच और उपस्थित मेरे सामने बैठे मेरे साथियों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति और पत्रकार बंधु, भाई सबसे पहले तो आप बहुत देर से बैठे हो, गर्मी भी बहुत है, पसीना भी खूब आ रहा है ना, तो एक बात लिख लो, जो आज आपने तप किया है, ये तपस्या करी है, ये खाली नहीं जाएगा, हरियाणा की राज्य में जाएगा, और खास तौर पे आप सबका आभारी भी हूं, और अपने मंडी के जो हमारे भाई हैं उनका भी, क्यों थोड़े से समय में अब तीसरी मीटिंग हो रही है, बहुत अच्छा उन्होंने प्रबंध किया है, उसका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और बात तो जैसे बताया शैलजा जी ने कि भाई 21 तारीख चुनाव की आ गई है, घड़ी परीक्षा की आ गई, दिन मुकर्रर हो गया है, आपकी मंजिल भी तय है, आप में हिम्मत और हौसला भी है, अब आगे बढ़ो, अब डेरे मंजिल पर ही डाले जाएंगे, वहीं जाके डेरे डालने हमने जाए जो आपकी मंजिल है, आज समय आ गया। बातें बहुत लंबी हुई और आप सबको भी मालूम है कि 5 साल में हरियाणा कहां से कहां पहुंच गया, तो हरियाणा प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति निवेश, खेल खिलाड़ियों में नंबर एक था, आज वो हरियाणा किस चीज में है नंबर एक, बेरोजगारी में, जो 2012 में बेरोजगारी का दर 2.8 था, आज हिंदुस्तान में, ये मेरे नहीं है, सारे देश के आंकड़े बता रहा हूं, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, 28% तो हरियाणा में है, आज हरियाणा नंबर एक में पहुंच गया अपराधों में, आज आप देख रहे हैं किस प्रकार से बेरोजगारी फैल रही है और हरियाणा में अपराध फैल रहे हैं, हर वर्ग, किसान है, किसान की हालत देखो आप, लागत बढ़ गई है, आमदनी घट गई, हर चीज पे टैक्स, हमारे समय में ना खाद पे टैक्स था, ना कीटनाशक दवाई पे टैक्स था, ना ट्रैक्टर पार्ट पे था, और किसान को लागत भी नहीं मिलती है, किसान कर्जे में दब रहा है, इसी प्रकार से गरीब आदमी भी कर्जे में दब रहा है, ना तो उसको प्लॉट मिलता, जो हमने 3,82,600 गज के प्लॉट दिए थे, एक प्लॉट दिया तो बताइए इन्हें भाई, पूरा पार्लियामेंट क्षेत्र बैठा है, कोई एक प्लॉट नहीं दिया इन्होंने, इसी प्रकार से जो वायदे किए थे 2014 में, कहा था किसान को स्वामीनाथन देंगे, गरीब आदमी को प्लॉट देंगे, मकान बनवाएंगे, उनको रोजगार देंगे, मनरेगा के भी कार्ड बदल दिए, वो भी कार्डों में घपले कर दिए, व्यापारियों को क्या कहा था और बेरोजगारों को ये कहा था, या तो रोजगार देंगे
या बेरोजगारी का भत्ता देंगे। और कर्मचारियों को कहा था हम पंजाब के स्केल लागू करेंगे, एक भी वायदा 154 से पूरा नहीं किया इन्होंने। और एक तरफ हमारी सरकार है, हमारी सरकार थी 2005 का आप घोषणा पत्र उठा के देख लो, जो हमने वायदा किया एक एक पूरा किया, एक भी वायदा देखो जो ना किया। इसी प्रकार से 2009 का आप घोषणा पत्र उठा के देख लो, जो हमने वायदा किया पूरा किया, अरे इन्हें एक नहीं किया। चाहे वो किसान की बात हो, किसान के कर्जे को माफ करने की बात हो, गरीब आदमी को प्लॉट देने की बात हो, उनके मकान देने की बात हो, रोजगार देने की बात हो, एक एक हमने पूरा किया। तो आज मैं तो एक ही बात कह रहा हूं, समय बहुत आ गया हो गया है, आज फिर समय आ गया है। हम घोषणा पत्र बनाएंगे और घोषणा पत्र में हम बहुत सारी चीजें सभी साथियों से सलाह लेकर बहुत सारी चीजें डालेंगे, लेकिन मोटी मोटी चीज जो हम घोषणा पत्र में डलवाएंगे और लागू करेंगे वो होगी कि पेंशन जो है हम 5,000 रुपए से शुरू करेंगे। आपको किसान का और गरीब आदमी का, शेड्यूल कास्ट का, जिस तरह राजस्थान पंजाब मध्य प्रदेश में कर्जा माफ किया है, कर्जा माफ करेंगे हम किसान का। और गरीब आदमी जो 300 यूनिट तक दिल्ली में जैसे है 300 यूनिट तक की बिजली जलाता है, उसकी बिजली का बिल माफ करेंगे। 2 एकड़ के किसान तक का बिजली फ्री करेंगे। और भाई कर्मचारियों का पंजाब का स्केल लागू करेंगे और ओल्ड एज पेंशन लागू करेंगे। और बेरोजगारों को जैसे मैंने कहा है, पोस्ट ग्रेजुएट जो होंगे उनको 10,000 या तो रोजगार या 10,000 अलाउंस या ग्रेजुएट को 8,000। इस प्रकार से बहुत सारी बातें हैं हर वर्ग के लिए, व्यापारियों के लिए अलग है। ये क्या सरकार है, ये क्या कह रही है कि आड़तियों को निकाल दो? आड़ती तो हमारे एटीएम है भाई, किसान को दुख दुख कर साथी हैं। इसी प्रकार से इन्होंने तो काम कर दिया, चालान करना शुरू कर दिया। अरे चालान तो अमेरिका जितने लगाते हो, और इनकी सड़क देखो पाकिस्तान से भी बदतर है, चालान अमेरिका जितने। ये ऐसा कानून हम हरियाणा में नहीं चलने देंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें कह रही। मैं तो आपको एक ही बात आखिर में कहने आया हूं, एक बार कहता हूं क्योंकि समय बहुत हो गया, बात बहुत कहनी थी मैंने। खाक खाक नशीनों उठ बैठो, उठ बैठो, वो समय आज पहुंचा है जब ताज उछलेंगे और तख्त गिराए जाएंगे। आपको चलना है और उसी तरफ बढ़ना है, यही मैं कहने आया था। मेरे को पूरा भरोसा है 36 बिरादरी एक होके जो इसने 5 साल में आपस में भाईचारे को बिठाने का काम किया है, इतना जान और माल का नुकसान किया है, उसके लिए पूर्ण रूप से सरकार दोषी है, ये प्रकाश सिंह कमेटी कह चुकी है। अब जो ये जन आशीर्वाद लेते घूम रहे हैं, मैं कहता हूं जन आशीर्वाद नहीं, जन पश्चाताप करो, जो इतने 80-80 आपने बेकसूर लोगों को मारा है, इतना जान माल का नुकसान किया है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत दो न, एक बात सुन लो भाई, एक बात सुन लो, चुनाव आया सबका अधिकार है, सब भाइयों का टिकट मांग सकते हो आप, लेकिन मेरे को वायदा दिलाओ कि टिकट जिसको मिलेगी उसको जिता के भेजोगे, क्योंकि वो एक एक वोट मेरे को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस शहरी पार्टी की तरफ से कुमारी शैलजा जी का, जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस उनका, और आप सबका यहां पहुंचने का पर हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।